वहीं अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए पुलिस की ओर से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके चलते कुशीनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अंतरराज्य तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही अवैध शराब की बड़ी खेप भी पकड़ी है, जिनकी कीमत 7 से 8 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसकी जानकारी क्षेत्राधिकारी संदीप वर्मा ने दी। बीती रात खड्डा पुलिस टीम द्वारा सालिकपुर थाना सालिकपुर क्षेत्र में एक ट्रक पकड़ी गई, जिसमें अंतर्राज्यीय दो तस्कर भी पकड़े गए हैं, जिनके पास से तकरीबन 7-8 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब बरामद हुई है और जिनके खिलाफ जो है मुकदमा लिख के आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तो कुशीनगर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बता दें कि पुलिस के हत्थे दो तस्कर चढ़े हैं और आपको जानकारी दे दें कि भारी मात्रा में अवैध शराब भी बरामद की गई है। तो बड़ी खेप जो है बरामद की गई है पुलिस की ओर से